हेलो गाइज, आज मैं आपके स्टूडियो में बताने वाला हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद हमें गूगल एडसेंस में कौन सा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहिए, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, बैंक अकाउंट दो तरह के होते हैं। पहला होता है सेविंग अकाउंट और दूसरा होता है करेंट अकाउंट। इन दोनों अकाउंट में से कौन सा बैंक अकाउंट सबसे अच्छा होता है, कौन सा बैंक अकाउंट सबसे बेस्ट होता है यूट्यूब पेमेंट आने के लिए, हमें कौन सा ऐड करना चाहिए, इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको आगे देने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दोस्तों पता नहीं होता है, जो नए नए YouTube चैनल बनाते हैं उन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और बार बार मेरे से यह सवाल पूछते हैं। कमेंट के स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देने वाला हूँ। आपको कौन सा बैंक अकाउंट गूगल एडसेंस में एड करना है ताकि आपका यूट्यूब का पेमेंट है वो आपको आसानी से बैंक में मिल जाए और आपका कोई भी बिना दिक्कत और परेशानी के आपका यूट्यूब पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। तो इसी के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देने वाला हूँ। सेविंग अकाउंट ऐड करना चाहिए या करेंट अकाउंट, गूगल एडसेंस में कौन सा अकाउंट आपको जोड़ना है। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद हमें गूगल एडसेंस में बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ता है, यानी बैंक अकाउंट हमें गूगल एडसेंस में जोड़ना पड़ता है ताकि हमारा यूट्यूब का पेमेंट है वो आसानी से बैंक में आ सके, यानी हमें यूट्यूब का पेमेंट है वो आसानी से बैंक में मिल सके। इसके लिए दोस्तों आपको कौन सा बैंक अकाउंट ऐड करना है, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट है, इसी के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चैनल मोनेटाइज होने के बाद आप गूगल एडसेंस में कोई भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। आप वहां पे सेविंग अकाउंट जोड़ सकते हैं, सेविंग अकाउंट को आप गूगल एडसेंस में ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो करेंट अकाउंट भी गूगल एडसेंस में ऐड कर सकते हैं, करेंट अकाउंट को भी आप गूगल एडसेंस में जोड़ सकते हैं। दोनों अकाउंट में आपका यूट्यूब का पेमेंट है दोस्तों वो आ जाएगा, यानी आपका दोनों अकाउंट में यूट्यूब का पेमेंट है वो आसानी से मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। आपका दोस्तों जो मन हो वो अकाउंट आप गूगल एडसेंस में ऐड कर सकते हैं। शर्त एक है दोस्तों, आपका जो बैंक में अकाउंट है उस बैंक का शिफ्ट कोड होना चाहिए, यानी आपका जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलवा के रखा है उस बैंक का शिफ्ट कोड आपको गूगल एडसेंस में ऐड करना पड़ता है, वरना आपका यूट्यूब का पेमेंट है वो आता नहीं है। लेकिन आप अकाउंट कोई भी ऐड कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों अकाउंट में आपका यूट्यूब का पेमेंट है वो आ जाता है बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। आप यूट्यूब से जो भी पैसा कमाओगे वो आपको मिल जाएगा। तो आपको दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, लोग आपको कुछ भी बोले उस पर आपको विश्वास नहीं करना है। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। जो नए नए यूट्यूबर होते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं होता है और उनके मन में चलता रहता है सेविंग अकाउंट ऐड करे या करेंट अकाउंट। तो दोस्तों आप दोनों अकाउंट ऐड कर सकते हैं बिना दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, चाहे करेंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो, आपको दोनों अकाउंट में आपका पैसा है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों दोनों अकाउंट में क्या है कि सेविंग अकाउंट में आप थोड़ा पेमेंट मंगवा सकते हैं, यानी अगर आपका 50,000-40,000 तक का पेमेंट आता है तो आप सेविंग अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपका ज्यादा पेमेंट आता है, 50,000-60,000-1,00,000-2,00,000 इतना पेमेंट आपका आता है, तो आपको करेंट अकाउंट ऐड करना चाहिए। यानी दोस्तों करेंट अकाउंट में आप बड़ा पेमेंट है वो मंगवा सकते हैं। करेंट अकाउंट में आप कितना भी पेमेंट मंगवा लो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। सेविंग अकाउंट में आप दोस्तों ज्यादा पेमेंट है वो नहीं मंगवा सकते हैं, सिर्फ यही फर्क है। तो दोस्तों आप कोई भी बैंक अकाउंट ऐड कर लेना, आपको नो टेंशन रहना है। आप यूट्यूब चैनल पर काम करते रहो, पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। कौन सा अकाउंट बेस्ट होता है, कौन सा अकाउंट बिल्कुल सही रहता है, कौन सा आपको ऐड करना चाहिए, कौन सा आपको बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। तो वीडियो दोस्तों आपको पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही दोस्तों बेल आइकन है नीचे, उसका प्रेस कर दो ताकि आने वाली और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ में दोस्तों मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने देख के रखा है। मैं मिलता हूँ किसी अगले नए यूट्यूब वीडियो में, तब तक बाय बाय दोस्तों।